अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आज की कहानी है लोमड़ी और कौवे की कहानी। इसमें चालाक लोमड़ी ने किस तरह से कौवे को उल्लू बनाया। चले आए कहानी सुनते हैं। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। चलते चलते सोच रही थी कि शायद कहीं कुछ खाने को मिल जाए। थोड़ी दूर चल के शहर की तरफ चल दी। जैसे ही जा रही थी एक बड़ा सा पेड़ नजर आया और पेड़ पर कौवे मियां बैठे हुए रोटी खा रहे थे। ओहो, बहुत दूर थी लोमड़ी। जैसे ही कौवे को देखा भाग के गई और सोचते सोचते गई कि ऐसा क्या करें कि कौवे मियाँ हमें वो रोटी दे दें या फिर हम कि हमारे साथ शेयर कर लें। तो फिर जैसे ही लोमड़ी वहाँ पहुँची कौवे को मुखातिब किया। कौवे मियाँ, अरे सुनते हो कौवे मियाँ? कौवे ने कहा, क्या बात है, बताओ मुझे क्या बात है। कौवे मियाँ, आप बहुत ही अच्छे हैं। आप तो दुनिया के खूबसूरत परिंदे हैं। कौवे मियाँ देखता रह गया। आप बहुत ही प्यारे हैं। आपकी आवाज तो बांसुरी से भी ज्यादा मधुर और खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा सुनने के लायक है। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुरीली है कौवे मियाँ। और आपकी क्या तारीफ? आप तो परिंदों में परिंदे, परिंदों के राजा हैं राजा। आपके आगे तो सारे परिंदे ही बेकार हैं। आप तो इतना अच्छा गाना गाते हैं, मैं तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गई हूँ। कौवे मियाँ बोले, अच्छा चलो गा लेता हूँ, तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो आए आए। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपनी चोंच को खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। बड़ा मजा आएगा, सारी रोटी खा जाऊंगी आज तो खाऊंगी। जैसे ही टुकड़ा गिरा फौरन से झपट लिया और मजे से खाती गई खाती गई। कौवे मियाँ की आंखें फट गई। देखते देखते कहने लगे, हाय हाय, अभी तो मेरी तारीफ करी थी, मेरी रोटी खा गई, तुम तो बड़ी चालाक हो। मैं तो रोटी खाने आई थी, तुम इतने अच्छे परिंदों के राजा हो, ख्वाब आया था क्या? चलो भाई, मेरी तो चालाकी थी और अब तो मेरा हो गया काम, अब तो मैं जा रही हूँ। बाय बाय कौवे मियाँ। छोटी सी ये थी हमारी चालाक लोमड़ी की कहानी। तो इसमें हम क्या सीखते हैं? यही हमने सीखा कि चालाक लोमड़ी अपनी रोटी के लिए कौवे मियाँ की छोटी तारीफों के पुल बांध रही थी और आखिरकार कौवे मियाँ बेवकूफ भी बन गए। तो इसलिए हमें कोई भी बेवकूफ बना जाए इस तरह से हमें नहीं बनना चाहिए। हमें यकीन है कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही मज़ा आया होगा सुनने में भी और देखने में भी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने आरजे पिंकी रशीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान और फिर मानुल्ला।